सो ये फेशियल किया है गाइस मैंने नाइट में, एंड मेरे चेहरे पर आप ग्लो बहुत आसानी से देख सकते हैं। बहुत 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 ज्यादा अमेजिंग इसने रिजल्ट दिया है। ऐसा ग्लो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड फेशियल से आता है। तो नाउ जल्दी से देखते हैं आज का वीडियो। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू लव मी हियर, टू सपोर्ट मी हियर, एंड जो भी मेरे चैनल पे आज न्यू है उन्हें मैं बताना चाहूंगी गाइस कि माय चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट द वुमन नीड। तो आपको यहाँ पे शॉपिंग हॉल, मेकअप वीडियो, बहुत सारे DIY और साथ ही साथ नॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू भी जानने को मिलेंगे गाइस। ओवरऑल आपको यहाँ पे मिलेगी एक जेन्युइन सलाह। तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो मुझे दोबारा देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। नाउ गाइस उसके जस्ट बगल में आता है नोटिफिकेशन बटन, उसको भी गाइस जरूर हिट किया कीजिए ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। जो कि होने वाला है गाइस एक फेशियल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अमेजिंग सा फेशियल जो आपके रिंकल्स को कम करेगा, जो आपकी स्किन के दाग धब्बों को कम करेगा, जो आपकी स्किन में देगा एक स्मूथ चमक, एक ग्लो, एक इंस्टेंट ग्लो गाइस इससे आता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बरारा फेशियल, जिससे आपके चेहरे पर जैसा गोल्ड फेशियल का रिजल्ट आता है, एग्जैक्टली गाइस इस बनाना फेशियल से आपके चेहरे पर गोल्ड वाला फेशियल का ग्लो आने वाला है। तो गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं ये बनाना फेशियल। उससे पहले थोड़ी सी चीजें मैं बता देती हूँ कि गाइस बनाना में क्या क्या होता है और ये कैसे हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो गाइस बनाना में पाया जाता है विटामिन B6, इसके साथ साथ पाया जाता है विटामिन सी, जो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से वाइटन का इफेक्ट देता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती है जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली आपके रिंकल्स के लिए और आपके एक्ने स्कार्स वगैरह के लिए गाइस। और ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड होता है, ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, सुपर नेचुरल, एक DIY है, तो आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस फेशियल को घर पे ट्राई करने में। तो गाइज इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, सारे ओकेजन हमारे शुरू ही हो चुके हैं गाइज, इवन शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है। तो अगर आप किसी भी फंक्शन पार्टी में जा रहे हैं और पार्लर नहीं विजिट कर पा रहे हैं, घर पे बनाना पड़ा है, तो फटाफट से इस बनाना फेशियल को कर लीजिए और फिर ग्लो देखिएगा, बिल्कुल गोल्ड वाले फेशियल का ग्लो आपके चेहरे पे नजर आएगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं इस फेशियल को। सो बनाना फेशियल करने के लिए आपको लेना है एक मीडियम साइज का बनाना गाइस। ये आपका बहुत ज़्यादा टाइट वाला नहीं होना चाहिए, अगर ये केला ज़्यादा पका होगा तो ये फेशियल और भी ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा आपके चेहरे पे। तो आपको क्या करना है गाइस, बनाना को अच्छे से पील ऑफ करना है। अब रुकिए, आपको इसके छिलके को फेंकना नहीं है, बल्कि गाइस ये जो इंग्रेडिएंट है, मतलब जो बनाना है, इसके छिलकों में बनाना से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो आपको अपने फेशियल में इसको भी यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, बनाना का पल्प रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे ग्राइंडर लिया है गाइस, आप मसल के भी केले का पल्प रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ग्राइंडर लिया है, नीट एंड क्लीन ग्राइंडर लीजिएगा गाइस। ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ आप अपने फेस पे यूज़ करने वाले हो तो आपका जो ग्राइंडर है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक मीडियम साइज़ के बनाना से इतना पल्प रेडी होगा, ओके। तो ये जो पल्प है गाइस, ये ना आपके पूरे फेशियल के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप चाहिएगा तो इसको हेयर मास्क, एज अ हेयर मास्क अप्लाई कर लीजिएगा गाइस। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ गाइस ये जो पल्प है इसका कुछ ही मात्रा में हमें यूज़ करना है, ठीक है। शुरू करते हैं फेशियल अब अपना। तो देखिए फेस पे बेस जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक मैंने वेयर की है। नाउ हम रेडी हैं फेशियल के लिए। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि होता है क्लिंजिंग, जिसके लिए हमें यूज़ करना है बनाना का ये पील गाइस, ठीक है। तो अब ये जब आप अपनी स्किन पे इसको रब करोगे गाइस, तो ये पहली दूसरी बार में जैसे ही रब करोगे ये आपकी स्किन पे स्लिपरी हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, ट्रस्ट मी, दाग धब्बों को हटाने के लिए बहुत अमेजिंग है। अगर आप कॉन्टिन्यूस 7 डेज तक अपने चेहरे पे इसका यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो एक्ने के स्कार्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे करके फेड होने लगेंगे। तो आपको गाइस ऐसे ही करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लिंजिंग कर रहे हैं तो क्लिंजिंग के स्टेप में गाइस बिल्कुल भी आपको हार्श नहीं होना है, एकदम से हार्श बिल्कुल मत होइएगा। जब गाइस इसका स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा।
अब गाइस वॉश करने के लिए आपको सिंपल पानी का यूज़ करना है, ठीक है? ना पानी गर्म है और गर्म हो और ना ही पानी ठंडा हो। तो देखिए गाइस, पील ऑफ आई मीन क्लिंजिंग करते करते हमारी स्किन पे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो आप गाइस नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करना है स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है केले का पल्प, ठीक है? आप गाइस इसमें बहुत ज़्यादा केले का पल्प नहीं यूज़ करना है, बहुत ही कम आपको पल्प यूज़ करना है और इसका बहुत ही अच्छा सा स्क्रब रेडी करना है। गाइस ये जो ओरिफ्लेम वाला स्क्रब आता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्क्रब का रिजल्ट आने वाला है, बहुत अमेजिंग। जो बॉडी स्क्रब आता है ना, उसी तरह ये स्क्रब आपके चेहरे पे ग्लो देने वाला है। नाउ गाइस आपको सेम मतलब चेहरे पे वॉश कर लीजिएगा, आप चाहे तो ना भी वॉश कीजिए फर्स्ट स्टेप के बाद, और उसी पे आपको इसको अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले आपको पूरे चेहरे पर इसका करना होगा एप्लीकेशन। गाइस देखिए, हर एक जगह पे इसका एप्लीकेशन कीजिएगा, मतलब कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद सर्कुलर मोशन में आपको करना है अपने चेहरे की अमेजिंग तरह से स्क्रबिंग, ठीक है गाइस? चावल का जो आटा होता है वो आपकी स्किन में बहुत अच्छे से वाइटन इफेक्ट देता है, साथ ही साथ ये एक अमेजिंग नेचुरल स्क्रब है गाइस। आपकी स्किन के जितने दाग धब्बे हैं उनको फेड करने के लिए फुल्ली कैपेबल है। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके मैंने अपने चेहरे को अच्छे से स्क्रब कर लिया है और इसका जो रिजल्ट होगा ना, वो जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चेहरा टू शेड आपका फेयर हो गया है। बहुत अच्छा वाइटन इफेक्ट आता है गाइस, ट्रस्ट मी। नाउ हमारा स्क्रब हो चुका है, अब मैं दिखाने जा रही हूँ आपको स्टेप टू का रिजल्ट। देखिए गाइस अमेजिंग, इतना सॉफ्ट हो जाता है गाइज इस स्टेप के बाद चेहरा, आप मतलब बिल्कुल अपने चेहरे पे बार बार अपना हाथ फेरेंगे, इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट होता है। तो स्टेप टू भी हो गया कंप्लीट गाइज। नाउ स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, हमें लेना है हनी। हनी गाइज बहुत 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 अमेजिंग होता है आपकी स्किन के लिए। हम यहाँ पे मसाज क्रीम रेडी कर रहे हैं। आपको हनी और पल्प, जो केले का पल्प है, उसको मिक्स करना है अच्छे से और एक बहुत ही स्मूथ स्मूथ टेक्सचर की आपको क्रीम रेडी करनी है। अब इस क्रीम को गाइस आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है एंड देन गाइस आपको करनी है अपने चेहरे पे बहुत अच्छे से मसाज। तो देखिए यहाँ पर क्रीम हमारी हो गई है रेडी और हम अब करते हैं अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन किया है, देन सारी ही जितने भी स्टेप करने हैं आपको वो सब अपवर्ड डायरेक्शन में करने हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मसाज मुझे आती नहीं, कहीं मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम तो ना हो जाए। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी स्टेप आपको करने हैं सब अपवर्ड डायरेक्शन में करने हैं। मसाज में बेसिकली गाइस आपको क्या करना होता है, अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इसीलिए आपके चेहरे पे एक पिंकिश ग्लो आता है। तो एग्जैक्टली आपको यही करना होता है, बस यही ध्यान दीजिएगा गाइस कि कोई भी स्टेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना हो, सारे स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में हो और आपके ब्यूटीफुल हाथों की एनर्जी आपके स्किन पे जाए, बस यही होता है गाइस मसाज। ओके, तो यहाँ पे गाइस मैंने बहुत अच्छे से मसाज कर लिया है। बढ़ते हैं स्टेप नंबर फोर की तरफ, जिसमें आपको लेना है बेसन। गाइस फोर्थ स्टेप में मैंने बेसन इसलिए लिया है ताकि आपकी स्किन में एक बहुत अमेजिंग टाइटन इफेक्ट भी आ जाए। बेसन और पल्प के साथ मिक्स करके मैंने एक अच्छा सा पेस्ट यहाँ पे रेडी कर लिया है गाइस। और कुछ भी इसमें नहीं लेना है स्टेप फोर में, सिंपल बेसन और केले का पल्प यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे इसको बहुत अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में एप्लीकेशन इसका, ठीक है गाइस? जब इसका एप्लीकेशन आप कर रहे होगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अच्छा और अमेजिंग रिजल्ट इससे मिलने वाला है। ओके, तो आपको क्या करना है, पूरे चेहरे पर इसका एप्लीकेशन कर लेना है। देन इसको ड्राई करने के लिए आपको 20 to 25 मिनट तक इसको छोड़ देना है। 20 to 25 मिनट के बाद गाइस आपको इसको अपने चेहरे से हटा लेना है, वाटर आपको प्लेन यूज करना है। देखिए सो आपने देखा है वीडियो को यहाँ तक, मतलब कि आपको वीडियो पसंद आई है गाइस। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो इसको प्लीज दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इससे दूसरों की भी हेल्प हो। मैं रंजना अब आपसे करती हूँ बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट अनदर एंड ब्यूटीफुल वीडियो में। प्लीज गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, उसे जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करती हूँ। मैं रंजना अब करती हूँ बाय बाय गाइस, ढेर सारा प्यार, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।